हेलो दोस्तों, होप आप लोग एक्साइटेड हो गोपी और बाघा की पूरी कहानी जानने के लिए। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में आपने सुना कि गोपी और बाघा पड़ोसी देश जाने का बात करते हैं, अब सुनते हैं आगे की कहानी। पड़ोसी देश हल्ला में अव्यस्तता बढ़ती जाती, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था और राजा भी पागल जैसा होता जा रहा था। और इन सब के पीछे जो कारण था वो था राजमंत्री, जो कि एक जादूगर की मदद से राजा और प्रजा को अपने वश में कर लिया था। जब गोपी और बाघा हल्ला देश में प्रकट होते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ लोगों को सिपाही दरबार पे, गोपी और बाघा मौका देख के उनमें शामिल हो जाते हैं। दरबार में जब जाया जाता है तो राजा कहते हैं कि इन सबका सर कलम कर दिया जाए, और यही कह के जल्लाद को बुलाया जाता है। गोपी और बाघा भय से दौड़ने भागने लगते हैं, पर सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी क्या होता है, गोपी और बाघा अपनी सूझबूझ से गाना और बजाने लगते हैं, और इसी सुन के सब मुग्ध हो जाते हैं, यानी सब सम्मोहित हो जाते हैं। फिर इसी मौके को देख के गोपी और बाघा वहां से निकल पड़ते हैं। इनका गाना सुनकर राजा, जो कि दवा के नशे में था, उसका नशा टूट जाता है। गोपी और बाघा को मंत्री पे शक होता है, वो मंत्री के कक्ष में जाते हैं। तभी मंत्री का राजा और प्रजा पे किया हुआ षड्यंत्र के बारे में सब कुछ पता चलता है। तभी मंत्री इन्हें देख लेता है, पर ये दोनों भाग जाते हैं। मंत्री इनकी खोज में सिपाहियों को भेजते हैं। गोपी बाघा जंगल में कहीं सोते रहते हैं, तभी सोते वक्त सिपाही इन्हें पकड़ लेते हैं। इधर मंत्री फिर से राजा को नशे में करके युद्ध के लिए तैयार कर लेता है। गोपी बाघा जेल में फंस जाते हैं, और इनके जूते भी, गाना सुना के भी कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि ताला लगा हुआ था। अब इनके पास बस एक ही वरदान था जो शायद कुछ काम आता। गोपी बाघा ने खाना प्रकट हो कहा, तभी बहुत सारे खाना देख के पहरेदार थोड़ा ललायित हो गया और वो दरवाजा खोल के जेल के अंदर चला गया। और इस मौके को देख के गोपी बाघा वहां से निकल पड़े। मंत्री सेना, जो जादू के वश में था, उसे लेके सुंडी के तरफ युद्ध के लिए चला जाता है। तभी गोपी बाघा सेना के आगे चले जाते हैं, और फिर वो दोनों गाना गाना शुरू करते हैं। गाने के बोल ऐसे होते हैं कि हे हल्ला की सेना, तुम युद्ध क्यों करना चाहते हो, क्या मिलेगा युद्ध करके। फिर गोपी बाघा आसमान की तरफ देख के खाना प्रकट हो कहते हैं कि जो सबसे स्वादिष्ट मिष्टी हो, जो सबसे स्वादिष्ट खाना हो, वो प्रकट हो। वो कहते हैं मेहदाना प्रकट हो, वो कहते हैं पूरी प्रकट हो, वो कहते हैं लड्डू प्रकट हो, वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा तृप्ति दे वो खाना प्रकट हो। और ये कहते के साथ पूरे युद्ध स्थल में खाना प्रकट होने लगता है, और खाना देख के भूखे बेचारे सैनिक उस पर टूट पड़ते हैं, वो युद्ध भूल जाते हैं। सैनिक युद्ध छोड़कर खाना खाने में मगन हो जाते हैं। तभी हल्ला के राजा युद्ध स्थल में आ जाते हैं। गोपी बाघा का गान सुन के राजा का नशा छूट जाता है। गोपी बाघा को अपने जूते मिल जाते हैं। फिर ये हल्ला के राजा को सुंडी ताली मार के पहुंचा देते हैं। सुंडी राजा के पास जब हल्ला देश के राजा पहुंचते हैं तो पता चलता है कि असल में ये दोनों जुड़ा भाई होते हैं। हल्ला के राजा बताते हैं कैसे मंत्री उसे दवा के नशे में बुरे बुरे काम करवाया और युद्ध के लिए प्रताड़ित किया, और इन दोनों के मिलने के बाद युद्ध टल जाता है। दोनों राजाओं की एक एक राजकुमारियां थी जिनकी शादी गोपी और बाघा से तय कर दी जाती है। गोपी और बाघा अब राजमहल में राजी जीवन बिताने लगते हैं। होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही स्टोरी और ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट सेपियंस। बाय बाय।